उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर घमासान चल रहा है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अध्यक्ष जिला पंचायत के पति खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और जिला पंचायत सदस्यों को ही अपराधी करार दे रहे हैं। इसके अलावा अब उनके साथ इस पूरी लड़ाई में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक अध्यक्ष जिला पंचायत सरिता चौधरी को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि अमरोहा में अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी को लेकर घमासान मचा है। काफी लंबे समय से कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह की पुत्र वधु, जो पहले अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज थी, वे और उनके पति लगातार अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी के चलते दोनों पक्षों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है और यह घमासान जारी है। इस बीच कई बार जिला पंचायत सदस्यों के अगवा होने की खबरें भी सामने आती रही और कई बार पक्ष और विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। आज सुबह वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य पिंटू गुर्जर ने अपने साथी जिला पंचायत सदस्य के प्रति पिंटू भाटी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष जिला पंचायत के पति भूपेंद्र चौधरी पर दल बदलू होने के आरोपों के साथ साथ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे जिला पंचायत सदस्यों को परेशान कर रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। उनके मुताबिक भूपेंद्र चौधरी दल बदलू है और कई पार्टियां बदल चुके हैं। पिंटू भाटी जिला पंचायत सदस्य के पति इन सभी वीडियो को दिखाकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भूपेंद्र चौधरी से जहां अब हमने बात की और उनकी राय जानी चाही, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वे पिंटू तो खुद अपराधी है और उसके खिलाफ कई संगीन वारदातों पर मुकदमे दर्ज हैं। उनके मुताबिक पिंटू उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है और यह सब विपक्ष की साजिश है। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान से जब हमने राय जानी चाही, तो चेतन चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सही निर्णय उठाया जाएगा, सही कदम उठाया जाएगा। हमारी पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। यह कहकर चेतन चौहान मुस्कुराते हुए कुर्सी छोड़कर उठ गए। मुझे वैसे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो खुद CBI उनकी जांच कर रही है। भली बात ही पूरा जनपद परिचित है। उनके भाई विपिन जो मैनेजर थे प्रथमा बैंक के अंदर हसनपुर के अंदर, उन्होंने कई करोड़ का घोटाला किसान भाइयों के साथ किया, उनके नाम पर फर्जी लोन निकाले गए। उनकी CBI का मुकदमा उनके उनके परिवार के ऊपर दर्ज है, उसकी CBI जाँच कर रही है। वो खुद बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, उनका पूरा परिवार घोटाले में फंसा हुआ है, वो CBI इसकी जाँच कर रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के खेमे से आपके जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है आपके खिलाफ, उसको ये पिछले 3-4 महीने से यही चर्चा मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के साथ बहुमत है तो बहुमत लेकर जनपद में आए। और अपहरण तक के आरोप लगा रहे हैं कि आपने सदस्यों के अपहरण तक कर रखे थे। किसी भी परिवार के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा मेरे खिलाफ ना कोई तहरीर दी गई है, ना ही कोई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना कोई मैं किसी का अपहरण किया है। लेकिन इस तरीके से एक वीडियो वायरल होना, वीडियो वायरल करना क्या करेगा? अब दो पक्ष हैं, एक पक्ष कुछ भी कह सकता है, मैं क्या कह सकता हूं? अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जो आपको गलत दिए गए हैं कि उन्हें उनके साथ मारपीट की जाती है। मेरे साथ कोई गनर नहीं है, जो भी गनर है वो मेरी पत्नी के साथ है और उन गनर के साथ कोई गनर नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार धमका रहे हैं परिवारों का, ऐसा आरोप है। कोई वीडियो फुटेज वो दिखाएं, कोई सबूत ऐसा दिखाएं, तो विपक्षी हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।